शनिवार को धर्मतल्ला के प्रसिद्ध मॉल श्री राम आर्केड में वैष्णो भक्त मंडल के द्वारा मां वैष्णो का 18वें भव्य जागरण का आयोजन किया गया। इस भव्य जागरण में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे उत्तर कोलकाता के लोकप्रिय सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, चौरंगी की विधायिका नैना बंदोपाध्याय। लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे पहले अगर शिरकत करने पहुंचे थे तो वो थे शोभन देव चट्टोपाध्याय, जो इस कार्यक्रम के पैटर्न इन चीफ भी थे। बिजली मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। वहीं इस कार्यक्रम में शिरकत करने जब उत्तर कोलकाता के लोकप्रिय सांसद सुदीप बंदोपाध्याय पहुंचे तो उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा लगा। जय माता दी तो सारे देशवासियों में दौड़ते हैं, जय माता दी को पर जाते हैं। इन्होंने खुद जय माता दी को यहाँ ला के आए और एक अच्छा मशरूम भी चलते हैं, थोड़ा समय यहाँ गुजरना, हृदय में भक्ति के साथ वहाँ पर याद करना, मन में बहुत खुश होता है। सबको अच्छा ही हो ये करना। वहीं चौरंगी की लोकप्रिय विधायिका नैना बंदोपाध्याय ने क्या कुछ कहा, हम आपको वो भी सुनाते हैं। तो मैं 5 सालों से यहाँ पे आ रही हूँ, आप सभी के साथ मैं मिलती हूँ, बात करती हूँ और आज बहुत अचानक एक चीज हुई है। मैं निकल गई थी और मैं देख रही थी विजय प्रभु सब को, आप भी थे, सब खड़े हैं, तो बोल रहे क्यों बोले सांसद को लाना पड़ेगा चुनचे गोपाल। तो मैंने एक बात कहा इन सभी को कि आप लोग अपनी पत्नियों का बात सुनते हैं, नहीं सुनते हैं तो सांसद मेरी बात क्यों सुनेगी, नहीं सुनेंगे। फिर भी मैंने कोशिश की कि चलो उनको पूछते हैं, बोलते हैं कि देखो 8-10 दिन आ गए आपको आना पड़ेगा, तो बोल रहे ठीक है मैं आऊंगा। तो ऐसा मत बोलिए कि 10 सालों से नहीं आ पा रहे। आप लोग देखिए माँ को जो बुलाते हैं मन से, माँ वहाँ पे आके आती है ना, ये हम लोग का विश्वास है। धर्म क्या होती है, धर्म एक विश्वास के ऊपर हम लोग खड़े होते हैं कि माँ को हम बुलाएंगे माँ आई। वैसे आपको बुलावा ठीक नहीं हो रहा था इसीलिए 10 साल आपको भटकना पड़ा। मैं इतने कहूँगी इस बार पंडाल बहुत अच्छा है, पद्मावत भी इस बार दुर्गा पूजा में कई जगह में हो चुका है, लेकिन यहाँ का एक महत्व है कि हमारी जो पंडित जी हैं बहुत खूबसूरत से पूजा करते हैं और पूजा का जो आचार है ये बहुत अच्छी तरह से होते हैं। हालांकि हम सब एक है ये तो हम लोगों का जहन में आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मैं कहती हूँ कभी कभी मैं कहती हूँ कि अगर मेरी कोई तकलीफ होती है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं अल्लाह बाबा को कहूँगी अल्लाह बाबा मेरा मुसीबत हो रहा है, अल्लाह बाबा कहेगी ऐ तुम तो बंदोबस्त हो, मैं तुम्हारा बात नहीं सुनूंगा, ऐसा होता है। अगर माँ को भी एक क्रिश्चियन आके बोलेगी उसका नाम जॉन है, जॉन मंत्रोस की बेटी जोयना, तो जोयना आके माँ को बोलेगी कि माँ मुझे ये तकलीफ है, माँ बोलेगी नहीं नहीं तुम जोयना हो, मैं तुम्हारा तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, ऐसा हो सकता है। ऐसे कभी कोई सोचे हैं आप लोग, कभी हम लोग नहीं सोचते हैं कि माँ सभी की है, हमारा है, आपका है, जॉन का है, सबका माँ है। तो हम लोग माँ को और कोई तकलीफ होता है तो अल्लाह बाबा को जाके हम लोग बोलेंगे, कभी प्रॉब्लम होता है तो जीसस क्राइस्ट को जाके बोलेंगे, गुरु नानक जी को जाके बोलेंगे। भारतवर्ष एक नींव के ऊपर खड़े हो और वो है भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, विश्वास अपना मन में कि हाँ हम माँ को मान के चलेंगे, हम खुद के धर्म निभाएंगे लेकिन दूसरों को धर्म कभी मान देंगे, सम्मान देंगे, ये है भारतवर्ष। ये जो चल रहा है ये भारतवर्ष का कृष्ण संस्कृति नहीं है। फिर मैं उतना तक नहीं जाऊंगी, आप लोग सभी बहुत उत्सुक है आपके सांसद के सुनने के लिए। मैं इतना ही कहूंगी कि आप लोग ये माता की जगराता करते हैं और ये हमारी हम लोग मानते हैं सनातनी धर्म में भी हम लोग मानते हैं कि अगर 50 जन इकट्ठे बैठ के माँ को बुलाते हैं और मन साफ करके बुलाते हैं तो माँ आती है। तो इतना ही कहते हुए आप सभी को और एक बार जगराता माँ को जगाइए, माँ को बुलाइए और इतना ही कहिए कि माँ हमें शक्ति।
शक्ति दो, ये शक्ति दो कि हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं। इतना ही शक्ति दो हम लोग मिलजुल के एक साथ रहेंगे और शान से सर ऊंचा करके हम लोग जिएंगे सब एक साथ, सबकी धर्म को मान देते हुए। इतना ही कहते हुए सभी को, ये जो वैष्णव भक्त मंडल सभी को मैं आप शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं मेरी बात को बोल रही हूँ। इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय पार्षद गोपाल चंद्र साहा भी काफी सक्रिय दिखाई दिए और कार्यक्रम के समापन तक उनकी सक्रियता वैसी की वैसी ही बरकरार रही। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे जोड़ा साकू के पूर्व विधायक संजय बक्सी, साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे लाइव कोलकाता के CEO सचिन त्रिपाठी। प्रवीण परशुराम पुरिया ने इस कार्यक्रम में संचालक की भूमिका निभाई। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान माँ वैष्णो देवी के सुमधुर गीतों से सबका मन मोहने वाले कलाकारों में शामिल थे DK राजा, मंटू सोनी और रिजू राज। इन सभी कलाकारों ने अपने सुमधुर भजनों से एक अलग ही समा बांध दिया और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सभी भक्त और जो श्रोता हैं वो माँ के भजनों में पूरी तरह से डूब गए हों। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रवीण परशुराम पुरिया, अशोक गुप्ता, मुकेश जायसवाल, पंकज भालोटिया, सुनील सेठिया, अतुल बहल, नरेश मुखी, सुनील रैतानी, राकेश लखमानी, राजेश लखमानी, जैकी समतानी, अविनाश दासवानी, रोचल कुमार, पवन धानुका, आशीष वर्मा, विनय चौधरी, नवीन कामदार, निरंजन राय, श्रीकांत राय, ओम प्रकाश पांडे, उत्तम अग्रवाल, वीरेंद्र साव, अनिल गोयल, रवि शर्मा, संजीव सिंह, बबलू सिंह, राकेश पुरोहित, सौरव जायसवाल, सुमित भालोटिया, जय भीमराजका, उपेंद्र सिंह, हरीश चौरसिया, सुशील अग्रवाल, राजेश सिंह, नवरतन संघाई, मनोज सिंह, हरिद्वार तिवारी, विक्रम सिंह, अमित परमानी, प्रवीण धमानी, उदय साव, अंकुश बंसल, सचिन साव, मकसूद खान और मकदूल खान की अहम भूमिका रही। इस कार्यक्रम के समापन के दौरान माँ वैष्णो देवी के भंडारा का भी आयोजन किया गया था जहाँ हजारों लोगों ने माँ वैष्णो देवी का प्रसाद भी ग्रहण किया। इस कार्यक्रम के दौरान काफी भारी संख्या में श्रोतागण इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। ये कार्यक्रम श्रीराम आर्केड के भीतर ही आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में इस समिति के सदस्य प्रवीण परशुराम पुरिया ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। अभी हम बात करेंगे प्रवीण जी से। प्रवीण जी आप बताइए। ये हमारा 18वां साल है श्रीराम आर्केड वैष्णव भक्त मंडल का, जो हम माता भगवती का जागरण करते हुए आ रहे हैं। और मैं ये दावा करता हूँ कि कलकत्ता में पूरे शहर में ये इकलौता एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पे बिजनेस के अलावा हम लोग एक धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े हुए हैं और इतना बड़ा एक भव्य जागरण हम लोग माँ भगवती का करते हैं। इसमें हमारे कार्य क्षेत्र पूरे न्यू मार्केट क्षेत्र से कम 3000 लोग जो अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, चाहे ईसाई धर्म से हो, सभी इस उत्सव को एक उत्सव के रूप में लेते हैं और हमारा योगदान हमारे साथ सहयोग करते हुए इस भव्य कार्यक्रम को एक सफलतापूर्वक एक अंजाम देते हैं। और ये हमारा 18वां साल है। इस साल हमारे मुख्य अतिथि में आदरणीय सांसद इस क्षेत्र के सुधीर बंदोपाध्याय जी और हमारी नेत्री इस चौरंगी कॉन्स्टिट्यूएंसी की श्री नैना बंदोपाध्याय जी अभी आ करके माता को अपनी उपस्थिति हाजिर करा चुकी हैं। और हमारे नए नियुक्त कलकत्ता के मेयर आदरणीय श्री जनाब फिराद अकीम कुछ ही समय में आने वाले हैं और भी गणमान्य व्यक्ति काफ़ी अतिथिगण आने वाले हैं। हमारे इस अनुष्ठान के कार्यक्रम के पेट्रोन इन चीफ आदरणीय श्री शोभन देव चट्टोपाध्याय जी, जो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के विद्युत मंत्री हैं, वो हमारे संस्था के पेट्रोन इन चीफ भी हैं और वो कुछ ही समय पहले आ करके माँ भगवती की ज्योत प्रज्वलित करके जा चुके हैं। और हमारा ये कार्यक्रम दिन दिन जिस विशाल रूप में ये आकार अपना लेता जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये एक स्मरणीय, एक अभूतपूर्व कलकत्ता का एक महोत्सव होता चला जाएगा। बोल रहे हैं कि सब जात के धर्म के लोग यहाँ पर शामिल हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे कमेटी के सदस्य श्री मोहम्मद मकसूद जी हैं और भी हमारे कमेटी के सदस्य श्री जॉन मंतोज जी हैं जो क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करते हैं। हमारे चेयरमैन खुद जनाब फिराद हकीम, वो खुद मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन यहाँ पे समुदाय जाति धर्म को
साइड में रखते हुए हम लोग एक ऐसा मंच बनाए हुए हैं जहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस उत्सव को अपना उत्सव समझते हुए इसे सफलता देते हैं। अचानक से ये सोच कैसे ये माँ भगवती की कृपा हुई थी सन 2000 में जो हमें प्रेरणा मिली थी कि एक क्यों छोटा सा एक जागरण माता के नाम पे कराया जाए, और बहुत ही छोटे से रूप में हमने सन 2000 में ये जागरण चालू किया था, और माता की अनुकंपा से दिन दिन साल साल ये अपना आकार और बड़ा होते चला गया, और आज इस आकार को सन 2018 में हम साक्षात अपने आँखों से देख रहे हैं। इतने सारे ये सिरा मार्केट 270 दुकानों से सम्मिलित मार्केट है, और ये पूरा कार्य क्षेत्र न्यू मार्केट अंचल का, जहाँ पे 3000 दुकानदार अलग अलग व्यवसाय से अलग अलग जाति धर्म से जुड़े हुए हैं, सभी इस प्रोग्राम में श्री भगवती वैष्णो देवी जागरण में सभी किसी न छोटे न बड़े रूप में उपस्थित है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में ये और विशाल रूप लेगा, और माँ भगवती की कृपा रही तो हम लोग और सफलता प्राप्त करेंगे। हम आपको बता दें कि ये पहली ऐसी पूजा है जो किसी भी मॉल के अंदर आयोजित की जाती है, अन्यथा किसी भी मॉल में इस तरह का जागरण नहीं होता है, और इस तरह का जागरण श्री राम आर्किड कराकर अपने आप में ही एक अनोखी मिसाल पेश करता है। आप देख ही सकते हैं कि कितनी सुंदर भव्य तरीके से यहाँ पर वो लोग बता रहे हैं कि जात पात की कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं है, सब जात के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही अनोखा एक बोल सकते हैं कि उद्योग है सबके यहाँ पर, यहाँ के लोग के ओर से तो बहुत अच्छा लगा। आप देखते रहे लाइव कोलकाता, मैं हूँ तनुश्री, कैमरामैन दिनेश।